से सीधा बीच की तरफ और नहाते हैं बच्चे। तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आइए वैसे बनो और देश को संभालो। ये साबुन है, साबुन नहीं कह सकते, बालू ही है। वाटर एक्टिविटी जो है ना देखने को मिल जाता है, बहुत सारा वाटर एक्टिविटी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अभी सीधा बीच पर, तो बीच पर आ चुके हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आ गए हैं कोलवा बीच पर, और कोलवा बीच पर हम एक बार और आए हुए थे जो कि 1 जनवरी को आए हुए थे। तो उस टाइम पे नाइट में आए हुए थे तो ज़्यादा मज़ा आया नहीं। तो आज हम लोग आ चुके हैं दिन में, अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग, सुबह क्या दोपहर बोल सकते हैं, दोपहर का 2 बज रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोलवा बीच पर, और मेरे साथ है सरोवर भाई। और सरोवर भाई का भी एक चैनल है, आपको मालूम होगा पिछले ब्लॉग में देखा होगा। भाई को तो सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करो। यहाँ से हम लोग चलते हैं अब सीधा बीच पर, और देखते हैं अगर नहाने का मन हुआ तो नहाएंगे, नहीं तो सरोवर भाई तो नहाएंगे ही नहाएंगे, अपना देखते हैं क्या मन बनता है। और पीछे का आप ये लोकेशन देख सकते हैं, ये मार्केट का है इधर, और इधर एक बोट लगा हुआ है। और चलते हैं अभी सीधा बीच पर, तो चलिए अब मिलते हैं सीधा आपसे बीच पर। भाई जब भी देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अभी सीधा बीच पर, तो बीच पर आ चुके हैं। तो इधर आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं, और काफ़ी धूप भी निकला हुआ है, तो मैंने अभी ग्लास लगा लिया है और अभी चलते हैं सीधा बीच की तरफ और नहाते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्राउड बीचेस पर पसंद है तो आप उस बीच पर आ सकते हैं कोलवा बीच पर, यहाँ पर काफ़ी सारा वाटर एक्टिविटी चलता रहता है। और हम लोग भी अभी इधर आए हुए हैं, तो मैं तो अभी नहाऊंगा नहीं, सरोवर भाई उधर नहा रहे हैं और नहाकर शायद आ रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं बीच का नज़ारा, इधर आप देख सकते हैं। तो भैया हमने जैसा कि कहा था कि हम नहाएंगे तो कोलवा बीच पर आ गए। ये साबुन है, साबुन नहीं कह सकते, बालू ही है, इसको साबुन समझ के लगा लेना है और नहाने जाना है। तो देख सकते हो हमने पैंट पहन रखे, तो फाइनली हम जाने वाले हैं नहाने। पानी इतना खरा है कि मत ही पूछो, तो समुद्र का पानी ऐसा ही होता है। तो वहाँ देख सकते हो लोग उड़ रहे हैं, दो लोग दिखा दे हैं। तो भाई जाते हैं नहाने। और गोवा में अगर साइलेंट भी चाहिए तो आप मैनोली बीच, द्वारका बीच, ऐसे बीचों को आप जा सकते हैं। और कोलवा बीच तो साइलेंट बीच नहीं बोल सकते कोलवा बीच को, क्योंकि कोलवा पर बहुत ज़्यादा क्राउड है अभी, क्योंकि अभी 3 बज रहा है, 2 बजे का 3 बज रहा है, फिर भी इतना ज़्यादा क्राउड है। तो जैसे शाम होता जाता है ना, और क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है सीजन के अनुसार। और यहाँ पर एक आपको वाटर एक्टिविटी जो है ना देखने को मिल जाता है, बहुत सारा वाटर एक्टिविटी देखने को मिल जाता है, ये अच्छी बात है। और साउथ गोवा में काफ़ी बीचेस पर ये सब व्यवस्था नहीं है वाटर एक्टिविटीज का, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया हमने कपड़ा बदल लिए हैं, और भाई अपना प्रिंस भाई का इंतजार कर रहे हैं, राहुल भाई नहाया नहीं और हमने नहा लिया। राहुल भाई को दे दिए सारे कपड़े की, चलो संभालो, आप तो नहाते रहते हो, हम नहीं नहाते हैं, तो हमने नहा लिए हैं देख सकते हैं। और चेंजिंग रूम यहाँ बाजू में है, और हमने बदल लिए वैसे, अब फिर इंतज़ार करते हैं भाई का, आएंगे तो चलेंगे, और फिर उनका नहाने का मन होगा तो फिर से नहा लेंगे। 30 रुपये दे के हमने कपड़े बदल लिए, फिर भी लगता है फिर से नहाना पड़ेगा। तो इंतज़ार करते हैं, तब तक वीडियो में बने रहें, तब तक मिलते हैं।
बीच पे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स पानी हम लोग ने बीच साइड से इधर आ गए हैं, ये देख सकते हैं ये बच्चों का खेलने का कुछ बनाया हुआ है, ये बहुत कुछ है बच्चों के लिए बनाया गया है। और अपने जो वीडियो का है यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।